हमारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर या किसी तरह की समस्या आने पर इसमें सूजन या थिकनेस आ जाती है। इस सिचुएशन में इसको वॉल थिकनिंग कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा देर तक यूरिन के इकट्ठा होने की वजह से भी इस दीवार में सूजन आती है, लेकिन इसके और भी कई रीजंस हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सूजन और थिकनेस का कारण क्या होता है और इसके रीज़न क्या हैं। यूटीआई की वजह से थिकनेस की समस्या हो सकती है। यूटीआई के कारण कई हो सकते हैं, इसकी वजह से आपके ब्लैडर में समस्याएं आ सकती हैं। पुरुषों की तुलना में यूटीआई इन्फेक्शन की समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। कैंसर की बीमारी की वजह से हो सकता है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में सूजन के लक्षण क्या क्या होते हैं? बार बार बुखार आना, यूरिन करते समय दर्द होना, यूरिन करने में दिक्कत या अधिक जोर लगाना, यूरिन के कलर में बदलाव आना, स्मेल आना, किडनी में दर्द होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई होना। इसके इलाज की अगर बात करें तो इस इलाज में डॉक्टर आपकी यूरिन की जांच करते हैं और इसके बाद इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। इसके बाद मरीज़ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे इलाज दिया जाता है। आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन की सलाह दी जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।